दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो मेरा मोबाइल का इंटरनेट का स्पीड कितना ज्यादा इंक्रीज हो गया है। दोस्तों आपका मोबाइल का इंटरनेट का स्पीड भी इतना ही ज्यादा इंक्रीज होने वाला है। दोस्तों अगर आप YouTube में जाकर सर्च करोगे हाउ टू इंक्रीज इंटरनेट स्पीड इन होम तो आपको बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा, जिसमें कुछ कुछ वीडियो सच में काम करता है और कुछ कुछ वीडियो फेक है। मैं बहुत सारा वीडियो को देखने के बाद रिसर्च करने के बाद इस एक वीडियो को बनाया हूं, और इस एक वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरा कुछ वीडियो देखने का जरूरत नहीं। आपका इंटरनेट का स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। आप पबजी फ्री फायर बहुत अच्छे से खेल सकते हो, आपका पिंग का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप मेरे साथ वीडियो में बने रहो, मैं सेम प्लेस सेम जगह पर सेम टाइम में मेरा यानी एयरटेल वाले का यानी जो सिम वाले हैं उनका जो APN है और मैं जो APN क्रिएट करूंगा उनमें कितना अंतर है, कितना डेटा इंक्रीज होगा, कितना इंक्रीज होने वाला है, कितना इंक्रीज हो रहा है, मैं उसके ऊपर बात करूंगा और आपको खुद के साथ दिखाऊंगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा बुरा लगा या फिर वीडियो में कुछ गलती हो, मेरे से कुछ मिसिंग हो जाती है, या फिर आपको कुछ टॉपिक में वीडियो चाहिए, वीडियो में जो कुछ भी गलतियाँ दिखा या फिर जो कुछ भी खूबियाँ दिखा तो मेरे को आप कमेंट करके बताओ, वीडियो को लाइक करना। दोस्तों चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आदिम सकट और आप देख रहे हो डिस्कवर पॉइंट सिक्स। सबसे पहले आप आपका मोबाइल में सेटिंग में चले जाओ, और सेटिंग में जाने के बाद आपको सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क जिस सिम से आप इंटरनेट चलने वाले हैं वो वाला सिम में चले जाओ। उसके बाद APN मिलेगा आपको, मैं वोडाफोन जियो और एयरटेल तीनों का ही बताऊंगा। तो सबसे पहले अपना जियो से स्टार्ट करते हैं। आपको जो नेम है ना उसको बस रखना है जियो इंटरनेट, और जे को कैपिटल रखना है, उसके बाद पेज देके इंटरनेट का आई को कैपिटल रखना है। उसके बाद आपको APN में चलना है, उसको जियो नेट रखना है, ठीक है। उसके बाद .com भी आप लगा सकते हो। उसके बाद आपको यूज़र नेम पे चले जाना है, उधर speed.max, स्पीड का एस को कैपिटल में और मैक्स का एम को आपको कैपिटल में रखना है। उसके बाद आपको सर्वर में चले जाना है और www.jio.com। उसके बाद आपको MCC और जो कुछ भी है उसको ऐसे ही रहने दो, वो आपका एरिया का पिन कोड के हिसाब से। उसके बाद आपको APN टाइम के डिफॉल्ट और SPUL को रखना है, ठीक है, ये दोनों में रख दो, ये दोनों APN बहुत गजब का है। उसके बाद आपको IPv4 दोनों का दोनों, अगर आपका हो सकता है तो IPv4 और IPv6 दोनों में कर दो। उसके बाद आप APN सेव कर लो। आपका जियो का तो हो गया, उसके बाद वोडाफोन में चलते हैं। वोडाफोन का आपको नेम पे चले आना है, उसके बाद मैक्स वोडाफोन एम को आपको कैपिटल में रखना है और वोडाफोन का वी को आपको कैपिटल पे रख देना है। उसके बाद जो जैसे उसको ऐसे रहने दो। APN में आपको चले आना है, उस पर आपको लिखना है पोर्टल MMS PORTALNMMS रख देना है। यूज़र नेम speed.max, एस को भी कैपिटल और एम को भी कैपिटल रखना है। वोडाफोन का बहुत ही गजब का चीज़ है। और सर्वर में www.vodafone.in ही आपको रख देना है, ठीक है। उसके बाद जो जैसा है उसको ऐसे ही रहना, तो बस APN टाइप को आपको चेंज कर देना है, जैसा मैंने पहले बताया था डिफॉल्ट और SPUL ऐसा ही रख देना है। APN उसको IPv4 और IPv6 दोनों का दोनों रख देना है, बस आप सेव कर लो। उसके बाद मैं आपको विद प्रूफ के साथ दिखाऊंगा इंटरनेट का स्पीड कितना ज़्यादा बढ़ने वाला है। अभी आएगा अपना एयरटेल। दोस्तों मैं रात को 2 बजे इसको बना रहा था, ठीक है, और मैं आपको विद प्रूफ के साथ भी दिखाऊंगा। आप देख सकते हो 2:50 और मैंने वाटर मार्क को भी हटाया नहीं डूरे कटर का। तो बस जो जैसे उसको ऐसे रहने दो। एयरटेल का एयरटेल 4G, एयरटेल और 4G का 4 कैपिटल में, और APN को GPRS, और जो जैसे उसको ऐसे रहने दो। बस सर्वर को चेंज कर दो www.airtel.in। उसके बाद जो जैसा है वो ऐसे ही रहेगा, बस आप सिंपली जाके बस सेव कर दो। और सेव कर देने के बाद दोस्तों मैं दावे के साथ लिख के दे सकता हूँ यार आपका इंटरनेट स्पीड बढ़ेगा ही बढ़ेगा, जैसे कि आप मेरा मोबाइल आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद मैं स्पीड टेस्ट में आ गया, और उधर आप देख सकते हो 2:50 को रात को अभी यार मेरा इंटरनेट का स्पीड कितना ज़्यादा स्पीड में चलने वाला है। आप देख सकते हो यार 50-40 ऐसे MBPS दे रहा है, ठीक है। उस पर मेरा बेस डाउनलोड का स्पीड भी बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। ये तो अपलोडिंग का स्पीड हो गया, आप देख लो बिल्कुल। अरे यार आप अपलोड का स्पीड आप देख लो यार, डाउनलोड का स्पीड तो आप देख लिया, अभी अपलोड का स्पीड आप देख लो। तो सब बहुत ही गजब का APN है यार, आप ट्राई कर देखो। मैंने बहुत सारा वीडियो को देखने के बाद बनाया था, ठीक है। और अभी सिम वाले का जो APN है उसको लगाने के बाद क्या हालत है देखो। 2:51 हो गया, और मोबाइल वाले का APN मैंने कनेक्ट कर लिया, और एयरटेल कनेक्ट करने के बाद मैं जहाँ था वहाँ पर ही हूँ, सेम प्लेस सेम जगह पर। मेरा एयरटेल फिर से रिस्टार्ट हो गया, देखा मेरा फिर से 4G आ गया। अभी मैं स्पीड टेस्ट के लिए जाने वाला हूँ, और स्पीड टेस्ट करने के बाद आप देख लो। मैं गांव की तरफ रहता हूँ, इसीलिए मेरा इधर का इंटरनेट बहुत स्लो चलता है। अगर आप शहरों में हो तो आप सोच के देखो यार आपका इंटरनेट का स्पीड कितना ज़्यादा इंक्रीज होगा, आप सोच के देखो। देखो यार कितना कम आ रहा है, इतना कम आता नहीं है, मैंने बस वीडियो के लिए इतना कम को ही दे दिया, लेकिन ज़्यादातर 5-6 ऐसा आता है। अभी वीडियो में आप देख लो यार, पता नहीं यार इंटरनेट आज बहुत स्लो चल रहा था। दोस्तों मुलाकात होगा अगला वीडियो पे।